अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। टेस्टी चटपटा ग्रीन चटनी बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हरा धनिया लेना है, तो ग्राइंडिंग जार में हरा धनिया डाल देंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देना और इसे ग्राइंड कर लेना है। बाकी का हरा धनिया डाल देंगे जार में। अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, आमचूर पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसे फिर से ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून दही डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो इसे डाल के ग्राइंड कर लेंगे। देखिए टेस्टी चटपटा हमारा चटनी रेडी हो गया है। जैसे होटल वगैरह में बनता है, हम होटल में जाते हैं कबाब टिक्की या चिकन फ्राई तंदूरी के साथ जो चटनी सर्व होता है, फ्रेंड्स बिल्कुल उसी तरीके का हमने बनाया है। तो इस प्रोसेस से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको चटनी का रेसिपी कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आपको चटनी ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है तो इसे आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए और इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और ऐड करना है जिससे आपके चटनी का शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। तो इसमें हमें डालना है 1 चम्मच के लगभग डाल देंगे सरसों तेल। सरसों तेल का इस्तेमाल करना है क्योंकि सरसों तेल जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इससे क्या हो जाएगा, चटनी का शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। आप इसे 2 से 3 हफ्ता रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस से आप एक बार ज़रूर चटनी बनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।